डालते हैं आपकी हेडलाइन पर, जो मर्जी हो जाए मैं कानून नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का फिर ऐलान, कहते हैं अपोजिशन दबाव में लाने की कोशिश कर रही है, एक ही मकसद है कि इन्हें एनआरओ मिल जाए। मुशर्रफ के एनआरओ ने 10 साल में 24,000 अरब का कर्जा चढ़ाया, दो जमातों ने खुलकर चोरियां की और बेदर्दी से मुल्क को लूटा, इन्होंने एक दूसरे पर केसेस बनाए, आज पकड़े गए। वजीर आजम इमरान खान दो रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे, वजीर आजम से गुजरता रोज आर्मी चीफ ने मुलाकात की, तर्जमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक मुलाकात में DGISI भी मौजूद थे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ, वजीर आजम के दौरे अमरीका और सऊदी अरब से मुतालिक अमूर पर बातचीत की गयी। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला, शहबाज शरीफ आज नून लीग और दीगर पार्टियों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, कौमी असेंबली इजलास में हुकूमती पॉलिसियों पर इजहार ख्याल भी किया जाएगा, गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन आर्डर जारी न होने पर एहतजाज का मुत्तफिका लाया अमल लाने पर भी गौर होगा। न्यूट डिप्टी कमिश्नर सैयद अमान अनवार ने DHP अस्पताल का विजिट किया, इस मौके पर अस्पताल इंतजामिया को हदायत दी कि CT स्कैन मशीन का जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए ताकि मरीजों को दूसरे शहर न जाना पड़े। हुकूमत की जानिब से तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और बॉयज की खस्ता हाली महकमे तालीम की लापरवाही का मुंह खोलता सबूत है। उधर दूसरी तरफ टेस्टिंग एजेंसी FTS की तरफ से मुनाकिद टेस्टों में बद इंतजामी और बच्चों के आउट होने की रिपोर्ट पर तमाम टेस्ट कैंसिल कर दिए गए। पसरूर के कस्बा बडियाना में घर में आग लग गई, आग के 22 बच्चे समेत मियां बीवी झुलस कर शदीद जख्मी, रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कर दिया। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।